हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल सो दिस इज एपिसोड फाइव ऑफ इंग्लिश की पाठशाला सो so मैंने आपको बताया था कि इस वीक हम टेंसेस को डेडिकेट कर रहे हैं ठीक है और जिसको नहीं पता इंग्लिश की पाठशाला क्या है तो इंग्लिश की पाठशाला एक ग्रामर सीरीज है जिसमें हम शॉर्ट अराउंड टेन टू ट्वेल्व मिनट्स के एपिसोड करते हैं और हर एक एपिसोड में एक न्यू ग्रामर कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो मैंने एपिसोड फोर से टेंसिस शुरू कर दिए थे तो फोर फाइव सिक्स इन तीन एपिसोड्स में मैं आपको टेंसेस करवाऊंगा so, एपिसोड फोर में हमने प्रेजेंट टेंस किया था डिटेल में आज हम करेंगे पास टेंस और उसके टाइप्स और आपको इंग्लिश की पाठशाला के एपिसोड्स मंडे वेनजे फ्राइडे इसी यूट्यूब चैनल पे सेवन ओ सेवन ओ क्लॉक सेवन पी आपको मिल जाएंगे और अगर आपको पुराने एपिसोड्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीरीज़ का लिंक है लिंक को ओपन करो और ज़रूर एपिसोड्स देखो और पी चाहिए तो हर एक एपिसोड की जो मेरी हैंड रिटन नोट्स की पी है मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो नहीं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मुझे डी कर सकते हो वहाँ पर भी मैं आपको पी प्रोवाइड कर दूँगा तो गाइज़ शुरू करते हैं और उससे पहले लास्ट एपिसोड में जो होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे फर्स्ट का आंसर है मूव्स और सेकंड का आंसर है प्रेजेंट परफेक्ट ओके और काफी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया किसी ने इंस्टाग्राम पे दिया मुझे किसी ने टेलीग्राम पे आंसर्स लिखे ठीक है बट अकॉर्डिंग टू द रूल जो कमेंट सेक्शन में सबसे फास्ट आंसर देगा वही विनर होगा तो लास्ट एपिसोड का विनर इज ईशू सो कंग्रेचुलेसन ईशू तो आगे शुरू करते हैं अब हम पास्ट टेंस पास्ट टेंस पढ़ने से पहले दोबारा से एक बार टेंसेस रिवाइज करवा देता हूं बच्चों ठीक है तो क्विकली वन मिनट में टेंसेस रिवाइज करते हैं फिर टेंस को डिटेल में करते हैं तो देखो कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ही राइट्स अ लेटर ही रोट अ लेटर ही विल राइट अ लेटर तो अगर हम तीनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या है ही राइट्स अ लेटर ये प्रेजेंट टेंस में है देन ही रोट अ लेटर ये आपका पास्ट टेंस में है और ही विल राइट अ लेटर ये आपका क्या है फ्यूचर टेंस में तो यही डिफरेंस है इन तीनों में अब आगे बढ़ते ठीक है लेट्स मूव अहेड अब मैंने आपको बोला था बच्चों जो टेंसेस है वो सिर्फ टाइम के बेसिस पे ही नहीं बट कि एक्शन के बेसिस पे भी डिफाइन किया जाता है टाइम के बेसिस पे तो आपके जो टेंसेस हैं वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है बट एक्शन के बेसिस पे वो एक्शन कब हुई वह एक्शन हुई या नहीं हुई क्या एक्शन अभी भी हो रही है एक्शन कब शुरू हुई इसके बेसिस पे भी आपको टेंसेस को हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक है सिंपल टेंस कंटिन्यूस टेंस परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ठीक है तो इसीलिए टोटल जो हमारे टेंसेस के फॉर्म होते हैं वो ट्वेल्व फॉर्म्स होते हैं मतलब प्रेजेंट के भी ये चार फॉर्म्स हैं पास्ट के भी ये चार फॉर्म्स हैं फ्यूचर के भी चार फॉर्म्स हैं तो फोर फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस हमने डिस्कस कर लिए थे अब पास्ट टेंस के चार फॉर्म्स डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं का सिंपल पास्ट टेंस की तो सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है बच्चों वी टू फॉर्म ऑफ वर्ब सो वी टू फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब जैसे कि हम बोलते हैं राइट रोट रिटन तो जो रोट है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है डू डिड डन सो डिड है जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ठीक है फिनिश Finish, फिनिश्ड और फिनिश्ड तो यहाँ पे v2 v3 दोनों सेम ही फॉर्म्स है तो फिनिश्ड इज योर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तो सबसे पहले अगर हम रूल की बात करें तो रूल के अकॉर्डिंग जो पास्ट टेंस है सिंपल पास्ट टेंस उसमें वर्ब का हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं एग्जांपल देख लेते हैं ही रोट अ लेटर तो यहाँ पे जो रोट वर्ड है ये v2 फॉर्म है ही ऑलवेज कैरिड एन अम्बरेला तो ये जो कैरेड है ये भी वीटू फॉर्म है सिर्फ वीटू फॉर्म ऑफ वर्ब आता है उसके साथ वॉज हैड वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं लगता है सिंपल पास टेंस में अगर हम बात करें अब सिंपल पास टेंस यूज कहाँ होता है तो ये यूज होता है एक्शन इन पास्ट कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुई बट हमें नहीं पता कि वो कंप्लीट हुई एक्शन या कब शुरू हुई कब खत्म हुई उसका टाइम हमें कुछ नहीं पता है बट हमें ये पता है कि वो एक्शन पास्ट में हुई है सिंपली ठीक है उसके एक्स्ट्रा हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है दैट इज अ सिंपल पास तब उसको सिंपल पास बोला जाता है या कोई पास्ट हैबिट कोई चीज जो पास्ट में होती हो कोई चीज जो रेगुलरली पास्ट में होती हो जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में बोला था कि आ, कोई ऐसी चीज जो प्रेजेंट टाइम में रेगुलरली होती है वैसे ही सिंपल पास्ट का मतलब कोई हैबिट जो पास्ट में थी ठीक है एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ही रोट अ लेटर तो इसका मतलब है ये एक्शन पास्ट में हो पास्ट में एक लेटर लिखा ठीक है उसके बाद ही ऑलवेज कैरेड एन अम्ब्रेला ये देखो ये एक पास्ट हैबिट का एग्जाम्पल है कि वो पहले क्या करता था वो हमेशा एक अम्ब्रेला कैरी करता था सो so बेसिकली यहाँ पे क्या है सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस टेंस अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो दैट इज इज एम आर वी वन प्लस आई एन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर यूज नहीं होता यूज होता है वॉज या वर वॉज यूज होता है सिंगुलर के लिए वर यूज होता है प्लूरल के लिए और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी लाइक प्ले प्लस आई एन जी प्लेइंग हो जाता है एग्जाम्पल देखते हैं ही वॉज राइटिंग अ लेटर तो देखो वॉज यूज किया क्योंकि ही सिंगुलर है और उसके साथ वी वन प्लस आई एन जी फॉर्म यूज हुई है राइट प्लस आई एन जी इज राइटिंग सो ही वॉज राइटिंग अ लेटर इज पास कंटिन्यूस सेकेंड वी वर लिस्निंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग So, अब देखो वर वर क्यों यूज किया क्योंकि जो वी है वो प्लूरल है और लिसन प्लस आई एन जी आ गया सो वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग ये भी एग्जाम्पल है आपका प्रेस, पास्ट प्रेज टेंस का अब बात करते हैं कहाँ हमें पास टेंस यूज करना है इसका मतलब कोई एक्शन विच वॉज आउट एट सम मतलब पास्ट में कोई एक्शन हो रही थी वो एक्शन पास्ट में कब शुरू हुई कब खत्म हो गई हमें नहीं पता बट हमें पता है कि वो एक्शन पास्ट में हो रही थी हमें बस ये इंफॉर्मेशन पता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग टाइम हमें नहीं पता है स्टार्टिंग टाइम एंडिंग टाइम हमें नहीं पता है लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है कोई एक्शन प्रेजेंट में हो रही है कब शुरू हुई नहीं पता कब खत्म होगी नहीं पता वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है कोई एक्शन जो पास्ट में चल रही थी बट वी डू नॉट नो कि वो कब शुरू हुई और वो कब खत्म हुए ठीक है जैसे कि ही राइटिंग अ लेटर तो हमें इतना पता है कि वो past में लेटर लिख रहा था ये प्रोसेस में काम हो रहा था वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग हम सारी इवनिंग रेडियो सुन रहे थे बट हमने किस पर्टिकुलर टाइम पे सुनना शुरू किया कब खत्म किया उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस ठीक तो है तो प्रेजेंट आता, आता और सबसे इजी चीज इसमें ये है कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो इसमें हैड ही आता है प्रेजेंट परफेक्ट में देखना पड़ता है कि हैज लगाना है पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड आता है देखो जैसे ही हैड अ लेटर तो रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो है क्या हो गया पास्ट परफेक्ट आई हैड फिनिश्ड माई वर्क तो हैड और फिनिश्ड ठीक है अगेन आपका क्या हो गया पासेक्ट अब बात करते हैं इसका मीनिंग कहां परफेक्ट यूज होता है तो मैंने आपको परफेक्ट का बताया था एपिसोड फोर में परफेक्ट मतलब कोई action complete हो जाए. अगर वो एक्शन उसी वक्त प्रेजेंट में कंप्लीट हुई है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं अगर वो एक्शन पास्ट में कहीं कंप्लीट हो गई हो तब हम पास परफेक्ट यूज करते है. मतलब एक्शन कंप्लीटेड बिफोर सर्टन मोमेंट इन द पास मतलब अभी नहीं कंप्लीट हुई है अगर हम बोलेंगे अभी कंप्लीट होगी तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा किसी सर्टेन मोमेंट से पहले मतलब पास्ट में कुछ देर पहले अगर कोई एक्शन कंप्लीट हुई है या काफी टाइम पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो गई हो परफेक्ट का यही मतलब होता है कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए तो अगर पास्ट में कोई एक्शन हमें पता है कि वो एक्शन कंप्लीट हो गई थी तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते एग्जाम्पल देखो ही हिड रिटर्न लेटर कि हमें पता है कि उसने लेटर लिख लिया था हम इतना श्योर है हमने वो इवेंट देखा है हम उसकी नॉलेज है कि उसने लेटर लिख दिया कंप्लीट कर दिया और हमें पता है उसने कब कंप्लीट किया था तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है आई हैड फिनिश्ड माय वर्क मुझे पता है मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया ठीक है तो कोई एक्शन अगर पास्ट में कंप्लीट हो जाए तो वो है पास्ट परफेक्ट टेंस लास्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूल क्या था हैज हैव के साथ बीन लगता है वी1 और आईएनजी लगता है पास्ट में आपको पता है हैज हैव नहीं आता हैड आता है तो इसका रूल क्या आ गया हैड बीन वी1 प्लस आईएनजी एग्जांपल देख लेते हैं ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स तो देखो हैड बीन स्लीप प्लस आईएनजी स्लीपिंग सेकंड दे हैड बीन प्लेइंग 6 सिंस 4:00 सो देखो हैड आ गया

स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि एक्शन कब शुरू हुई है हमें पता होता है एक्शन चल रही है यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है हमें पता होता है एक्शन शुरू कब हुई तो हमें पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर वो एक्शन शुरू हुई थी और फिर वो एक्शन होती गई एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता वो कब खत्म हुई बट हमें इतना पता है कि हाँ इस टाइम पर एक्शन शुरू हुई थी और फिर वो कंटिन्यूअसली होती गई ठीक है सो दैट इज परफेक्ट टेंस से समझ लेते हैं ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर फाइव आवर्स तो देखो हैड बीन स्लीपिंग है तो पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है बट यहां पे क्लियरली लिखा है आवर्स कि वो पांच घंटे से सो रहा था मतलब जब भी हम बात कर रहे हैं जि जिस भी टाइम हम ये एक्शन की बात कर रहे हैं वो एक्शन उससे पांच घंटे पहले शुरू हुई थी कि जिस पॉइंट पे हम पास्ट पे चीज बात करें पांच घंटे पहले से वो सो रहा था क्स्ट डेड बीन प्लेइंग पास्ट में वो खेल रहे थे हमें पता है बट हम ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने खेलना कब शुरू किया था चार बजे तो अगर हमें किसी पास्ट की एक्शन का स्टार्टिंग टाइम पता हो और हमें पता हो कि वो एक्शन हो रही थी तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है तो दोबारा रिवाइज करा देता हूँ सिंपल पास्ट मतलब कोई एक्शन पास्ट में हो गई टाइम कुछ नहीं पता है कब हुई ठीक है कंप्लीट हुई नहीं हुई कुछ नहीं पता या कोई एक्शन आपकी पास्ट में होती थी पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है जहां पे इज एम आर प्लस वी प्लस आई सॉरी वाज वर प्लस वी प्लस आई एनजी लग जाता है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमें बताते हैं कोई एक्शन कंटिन्यूसली पास्ट में हो रही थी स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट नहीं पता पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वी थ्री फॉर्म लग जाता है और हमें पता होता है कि वो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गई और पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन के साथ आई फॉर्म लग जाता है और इसका ये मतलब है कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुई उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है और फिर वो कंटिन्यूअसली होती गई एंडिंग पॉइंट तो हमें नहीं पता है बस ये हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है और हमें पता है कंटिन्यूअसली वो एक्शन होती गई सो दिस इज पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अभी होमवर्क क्वेश्चन है ठीक है लास्ट एपिसोड में इशू वाज़ द विनर अब देखते हैं इस एपिसोड में कौन विनर रहने वाला है रूल सेम है कमेंट सेक्शन में जो सबसे पहले बिना अपना कमेंट एडिट करे आंसर लिखेगा सिर्फ आंसर लिखना है क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू तो बता देता हूं फर्स्ट क्वेश्चन है शी जंप्ट ऑफ द बस वाइल्ड इट डैश मूवड ड मूवड वॉज मूविंग सिर्फ आंसर लिख देना सेकेंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पास टेंस तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है आई रिसीव्ड दिस लेटर अगो तो अब आपको बताना है कि यह कौन सा टाइप ऑफ पास टेंस है सिंपल पास्ट है पास कंटिन्यूस है पास परफेक्ट है पास परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो जरूर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना और अगर आप सबसे फास्ट आंसर दोगे तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपका नाम अनाउंस करूंगा स्लाइड पे भी जरूर लिखूंगा और गाइज नोट्स चाहिए तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो सारे नोट्स आपको मैं वहां प्रोवाइड कर दूंगा इंस्टाग्राम फॉलो कर लो और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब माई चैनल ईजी लर्निंग विद हिमाल प्रेस द बेल टू एंड नाउ वी विल मीट ऑन फ्राइडे विद एपिसोड सिक्स और हम टेंस फाइनली कंप्लीट कर देंगे और हम अपना लास्ट टॉपिक करेंगे टेंसेस का दैट इज फ्यूचर टेंस एंड फ्रॉम नेक्स्ट मंडे या कमिंग मंडे हम एक नया ग्रामर का टॉपिक करेंगे सो थैंक यू गाइज हैन